गुड मॉर्निंग. आज है 29 अप्रैल, यानी कि मेरा बर्थडे. पता नहीं, बर्थडे के दिन अलग से ही एक एक्साइटमेंट होती है कि हाँ भाई, आज हमारा बर्थडे, आज हमारा दिन है, आज सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होगा, अंटिल हम लोग लाइन क्रॉस ना कर जाए और हमें मार पड़ जाए. और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई. मैं अभी तो 7 बज रहे हैं, बट मैं 6 बजे से उठी हुई हूँ, क्योंकि मैं ठानी हुई थी कि मैं 6 बजे आज उठ जाऊंगी, बिकॉज मुझे आज मंदिर जाना है. तो भाई अभी चलते हैं सबसे पहले नीचे. तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है, वो ये है कि आज जब मम्मी सो के उठी तो मम्मी के लोअर बैक में स्टिफनेस आ गई है और मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है. चल तो ठीक रही है मम्मी, ठीक ठाक चल रही है, बट जब उठती है तो बैठ नहीं पा रही है, बैठती तो उठ नहीं पा रही है. और मम्मी बोली थोड़ा सा झुकने में प्रॉब्लम है, एकदम ऐसा लग रहा है कि हड्डी टूट जाएगा अगर और ज़्यादा झुकूंगी तो. आज तो हमने काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन का प्लान कर रखा था, सभी रिश्तेदारों को भी बोल दिया था हमने कि आज मेरा सेलिब्रेशन है, मेरा बर्थडे है तो आएगा. तो अभी तो कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है. हाँ सर, नमस्कार। सब कहाँ पे हैं? नहीं, प्रॉब्लम है, ये जरा घर आना पड़ेगा, वो चाय पीने के लिए आइए ना। पापा ने अभी डॉक्टर अंकल को फ़ोन किया है, जो उनके पहचान में ही थे, उनके मित्र थे. तो वो बोल रहे हैं कि मैं आधे घंटे में आता हूँ, वो फिर देखेंगे मम्मी की तबीयत कैसी है. बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, स्टेप उठाते दर्द हो रहा है। आपका पैर सूंघ जा रहा है बनिया पीछे से. वो बनिया आगे पीछे मत करना अभी. हाँ, अभी गिरा देगा तो मेरा कमर टूट जाएगा मेरा। तो मम्मी और पापा रोज सुबह सुबह काढ़ा पीते हैं, इसलिए मैंने मम्मी और पापा के लिए काढ़ा बना दिया है. तुम क्यों आए किचन में प्याज खाने के लिए? भागिए, चलिए चलिए, भागिए चलिए, भागिए भागिए. बैठ गए एग्जैक्टली हाँ, बैठ गए, बड़ी मुश्किल से बैठे। इसी टाइम पे मैं 14 साल पहले पैदा हुई थी. अभी मैं एग्जैक्ट, अभी मेरा बर्थडे 14 साल पहले, अभी मैं जन्म हुई हूँ. तभी समय चक्र में कुछ चल रहा होगा ना. 14 साल पहले मैं जन्म हुई हूँ उस समय. गुड, उस दिन भी मैं इतनी तकलीफ में थी और आज भी मैं बहुत तकलीफ में हूँ. ये मम्मी अभी बैठी हुई है, बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं. मम्मी झुक के दिखाओ, देखो झुकने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से झुक जा रही है मम्मी, लेकिन उठने में बहुत प्रॉब्लम है. आराम से आराम से आराम से. नहीं उठा जा रहा है ना, उठी है प्रॉब्लम। हो गया, कमर पकड़ लिया, ये देखिए बैठा नहीं. इसके लिए 2 टाइम इंजेक्शन लेना पड़ेगा, 4 टैबलेट और 1 इंजेक्शन. लेकिन अभी तो जीना हराम कर देगा, लेकिन वॉशरूम जाना बंद हो जाएगा, हमें पता है. तो अभी डॉक्टर अंकल आ गए हैं एंड ऑब्वियसली चाय की ड्यूटी मेरी है, मैं चाय बना देती हूँ फटाफट से. काम आप कर ही नहीं सकते, कोई भी काम नहीं करना है आपको, जितना देर सीधा लेटा जाए देखो. मैं तैयार हो गई हूँ नहा धो के, एंड ये मैंने तो नया वाला ड्रेस पहना है, दूसरा जो ब्लू कलर का मैंने लाई थी मैं वो. और अभी मैं जा रही हूँ छत पे अपने मंदिर में, थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं. आज जन्मदिन है तो जन्मदिन के पूजा करना तो बनता है. भगवान जी से प्रार्थना किया हो आपका तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा. हमारे घर के पास एक मंदिर है, वहाँ पे भगवान जी से आशीर्वाद लेने की, आज मेरा बर्थडे है इसीलिए चलिए चलते हैं. पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है. तो हम लोग यहाँ आए तो थे, बट मम्मी का तबीयत ख़राब था इसलिए हमने लेट हो गया, तो मंदिर बंद हो गया है अभी. हम लोग चलते हैं कोई दूसरा मंदिर, वहाँ पे देखते हैं, वो खुला होगा तो हम लोग वहीं पे दर्शन कर लेंगे भगवान के, वहीं से गोल्ड लग लेंगे, वहीं से उनका आशीर्वाद ले लेंगे. तो मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने ये फ्रूटी में थोड़ा सा आइस डाल दिया है, और क्योंकि ठंडा फ्रूटी किसी के पास था ही नहीं, इसलिए मैंने फ्रूटी में ही थोड़ा सा बर्फ डाल दिया है. ओह मज़ा आ गया. ब्रेकफास्ट का टाइम तो नहीं है, 12:30 हो गया है, बट अभी मैं ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ. मैंने बनाया है अपने लिए मैगी, मस्त मेरा ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा हुआ. वैसे तो आज मेरा बर्थडे है, बट आज मैं 1% के लिए फ्री नहीं हूँ. अभी मैं ब्रेकफास्ट की, ठीक है, उसके बाद फिर अभी मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि काम मेरे पास बहुत सारा है. भैया का बलून पिचकाना है, अपना फुलाना है, झालर मालर सब यहाँ पे लगाना है. उफ,
तो कुछ काम अभी करना है, उसके बाद फिर मम्मी की तो तबीयत खराब है तो मम्मी तो ठीक से खाना बना नहीं पाएगी, तो चाची आएगी उनकी हेल्प करनी है। भाई साहब आज मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। वाह एच हाँ इतना बड़ा ठीक है, बहुत जोर लगा रहा है। काम करती हूँ मैं, चलती हूँ ऊपर और मैं खाना खा लेती हूँ पहले, उसके बाद आते हैं फिर देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या करना है। तो वैसे गई तो थी मैं ऊपर सोने के लिए, बट ये टेंशन मेरे को सोने नहीं दे रहा है कि अभी मुझे नीचे अपना पूरा बेड सेट करना है, बेडशीट बिछाना है, फिर ये सबका सफाई करना है। बाप रे बाप ये सब टेंशन मेरे को सोने नहीं दे रहा। उसके बाद चाची भी आने वाली है, उनकी हेल्प करनी है, उनको बताना है कि सब कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अभी पूरा बेड फैला हुआ है मेरा, सबको समेटना है, अपना हारमोनियम थोड़ा देखना है कहाँ रखना है, क्योंकि सब लोग मतलब केक कटिंग जो होगा वो इसी रूम में होगा, तो वो सब कुछ देखना है। इसके टेंशन में मैं सो ही नहीं पाई। ये पूरा रूम सज गया पूरा ही, अब बस झाड़ू लगाना बाकी है नीचे नीचे। तो अभी 5:30 के करीब बज चुके हैं एंड क्योंकि मम्मी बहुत काम नहीं कर सकते तो मम्मी ने थोड़ा बहुत काम कर दिया है, बाकी का काम करने वाली है मेरी प्यारी चाची जो कि अभी बना रही है दाल, दाल में जो दाल फ्राई बनने वाला है तो उसके लिए जो फ्राई के लिए जो लगता है प्याज टमाटर हाँ मसाला, उसको चाची अभी भून रही है। और यहाँ दाल मम्मी ने तैयार कर दिया है, इसको भून के चाची उसमें डाल देगी और वो बन जाएगा दाल फ्राई। आप बताओ ना शाही पनीर किस तेल में बनता है? बड़ी मम्मी से पूछ के, बड़ी मम्मी कौन सा तेल लगेगा शाही पनीर में? जाओ जल्दी जल्दी, मैं तब तक दाल फ्राई टेस्ट करती हूँ। मेरा मुंह देखो कैसा हो गया था, कुत्ता चाट लिया। भगवान। तो अभी सेलिब्रेशन का टाइम होने वाला है एंड मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने जो आई मेकअप किया है मैंने खुद से किया है, कितना बढ़िया। और जो ड्रेस मैं लाई थी शरारा वो मैंने पहना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब खाली मैं एक रहने दो। हाँ हाँ मेरे पोप बनाने में पता कितना टाइम लगा है, मम्मी को कितना टाइम लगा है, मुझको ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के पिन लगाए जा रहे, हो ही नहीं रहा हो ही नहीं रहा। फाइनली थोड़ा सा हुआ जैसा ही, ठीक ठाक है। चलो ठीक है, यहाँ पापा गुब्बारा में ये पॉम पॉम बॉल कहते हैं उसको, ये भर रहे हैं, जितना उड़ रहा है ये डुगू और ईशू उसके पीछे पड़े हैं। ये मेरा केक देखो देखो, दूसरा केक दिखाओ। दूसरा वाला केक ये सिंपल सा है जो कि बहुत क्यूट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अरे भैया तुम पहले फूंक देते, रुको जरा सबर करो। अरे बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलो छोटा छोटा पीस खा नहीं, बहुत खाना पड़ेगा। गिफ्ट नहीं ले पाए। किसका चॉकलेट है? कुली पापा दे दिया है, चॉकलेट रख लिया है आपकी बात। दूसरा भी ले लो, दूसरा भी ले लो। देखा जी नहीं लेगा। थैंक यू। जो नैन्सी की तो थैंक यू बोलो।
कॉलेज डाइटिंग पे लग गया पूरा वो क्रीम मत ये तो चेरी चेरी चिपका दो ना हुआ नाक से निकाल के खा लो तो सो आई एम बैक और मैं अभी कपड़ा चेंज करने वाली हूँ. सब लोग अभी खाना खाएंगे क्योंकि अभी हम लोग जल्दी खाना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि मंजू को और फूफा जी को निकलना भी है यहाँ से. उनका घर थोड़ा दूरी पे भी है तो जल्दी निकल जाएंगे तो जल्दी पहुँच भी जाएंगे. तो अब मुझसे इस शरारा में ज़्यादा देर तक नहीं रहा जा रहा है तो मैं अब इसको चेंज कर लेती हूँ. उस रूम में सभी लोग बैठ के खाना खा रहे हैं एंड शायद यहाँ पे प्यास कटा है क्योंकि बहुत ही तेज झांस लग रहा है आंख में. और माय गॉड आई फील वेरी रिच. बाय बुआ. तो बुआ अभी जा चुकी है एंड अब जब मम्मी पापा भी सब लोग नीचे उनको बाय कर रहे हैं मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं नीचे जाऊं तो मैं नीचे नहीं गई. बट लेकिन सही में मानना पड़ेगा अगर मम्मी की तबीयत आज ख़राब नहीं होती तो ये सभी काम अभी मम्मी कर रही होती. चाची ने भी हाथ ना बटाया होता अगर मम्मी का यू नो ऐसे नहीं होता तो मतलब मम्मी कितना काम करती है वो मुझे आज रियलाइज़ हुआ जब मैंने इतना काम किया आज घर पे कि ये करना है वो करना है ऐसे करना है वैसे करना है. तो ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि मम्मी कितना काम करती है कितना मतलब मैं सोच रही हूँ कि मम्मी इतना काम कैसे कैसे कर लेती है कैसे और वो भी रोज़. मम्मी मेरा एडिटिंग भी देखती है घर का खाना भी देखती है हम लोग को भी देखती है हर चीज़ एकदम परफेक्टली हैंडल करती है मतलब. तो अभी हम सब लोग मिलके खाना खाएंगे मैं मम्मी भैया चाची चाचू और पापा. हाँ मुझे पुलाव नहीं पसंद. तो अभी मैं अपना डिनर लेके बैठ चुकी हूँ चावल और पनीर शाही पनीर की सब्जी जो चाची ने बनाई है और बहुत टेस्टी दिख रही है मैं खाती हूँ अभी. और यही था आज का मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन जो कि मैंने अपने फैमिली के साथ मनाया मुझे बहुत मज़ा आया. तो अगर आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा. मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय.